असम मिजोरम सीमा विवाद के बीच मिजोरम सरकार ने सीमा इलाके में विकास मूलक कार्यों को जारी रखने के आदेश दिए हैं। कोलासिब और मामित जिला प्रशासन को राज्य सरकार ने स्थगित निर्माण कार्य को दोबारा शुरू करने को कहा है। सीमाई इलाकों में यथास्थिति बहाल रखते हुए निर्माण कार्यों को शुरू करने को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा केंद्र और राज्य सरकार को किए गए अपील के दो दिन बाद मिजोरम सरकार ने ये निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री टाउन लुइया की अध्यक्षता में बुधवार को हुई स्टेट बॉर्डर कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक के दौरान गृह मंत्री लाल चाम लियाना ने कोलासिब और मामित जिला प्रशासन को ये हवाला देते हुए निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश किया कि असम अपने इलाके में निर्माण कार्य जारी रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि असम की ओर से सीमाई इलाके में विकास मूलक निर्माण कार्यों को जारी रखा गया है, इसलिए मिजोरम भी यथास्थिति बहाल रखते हुए सड़क पुल आदि निर्माण कार्यों को दोबारा शुरू करेगा। वहीं उन्होंने दशकों से लंबित असम मिजोरम सीमा विवाद को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर दिया। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम और मिजोरम सरकार को सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का सुझाव दिया है, जिसके बाद आइजोल आधारित ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने गृह मंत्रालय के सुझाव को पक्षपाती और एक तरफा होने का आरोप लगाते हुए इसे वापस लेने की अपील की, जिसके दो दिन बाद ही राज्य सरकार ने निर्माण कार्य को जारी रखने के आदेश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर मिजोरम और असम सीमा को लेकर है। मिजोरम ने सीमा इलाके में विकास मूलक कार्यों को जारी रखने का आदेश दिया है और इस पर अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। कोलासिब और मामित जिला प्रशासन को राज्य सरकार ने स्थगित निर्माण कार्य को दोबारा शुरू करने को कहा है और इस पर ताज़ा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिजोरम से। अजय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि असम ने कहा है कि ये एक तरफा वन साइडेड एलिगेशन फ्रॉम असम दैट मिजोरम मूव इज अनएक्सेप्टेबल। व्हाट आर द रिएक्शंस कमिंग अप फ्रॉम मिजोरम? यस, as you have mentioned that following the MHA advisory, the Mizoram Home Department had on November 8 had instructed those the two bordering district, which is Mamit and Kolasib district, to maintain the status quo and refrain from undertaking construction activities. And also the eventually the two district administration had stopped the construction process activities on November 11. This was mentioned on yesterday's meeting, and after this, the Joint Action Committee, the JSC on Inner Land Reserve, has alleged that has stated that some have allegedly constructed development in the border area. So they say that this JSC on the JSC Joint Action Committee have stated that some did not maintain the status quo and still constructing developments in the border area. So they ask the state government to resume the construction process in the border area. So this was discussed in yesterday's meeting from all the NGOs and all the parties and even the state government also. So the meeting came for a resolution that it came for a conclusion that it will continue, Mizoram will continue construction activities along with the border areas. जी धन्यवाद, बहुत बहुत अजय आपका इस जानकारी के लिए। तो मिजोरम ने निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश दिए हैं सीमा इलाकों में, जहां केंद्र का सुझाव ये था कि जब तक इसका कोई स्थायी समाधान न निकले दोनों तरफ से इलाकों में कम से कम यथास्थिति बनाए रखी जाए, कोई निर्माण कार्य न हो। लेकिन मिजोरम ने इस बात का हवाला देते हुए निर्माण कार्य करने का आदेश जारी किया है कि असम में जो सीमाई इलाके हैं वहां पर विकासमूलक कार्य हो रहे हैं, इसलिए मिजोरम के तरफ से ये आदेश दिए गए हैं।